गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इवेपोरेटिंग पैन। इवेपोरेटिंग पैन एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जो किसी भी स्लरी को, सॉल्यूशन को इवेपोरेशन करने में इस्तेमाल होता है। आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके कंटेंट की हम आज क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग, और हम डिस्कस करेंगे इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम नहीं होती है इवेपोरेटिंग पैन के ऊपर। जब इवेपोरेशन कंटिन्यूस रहता है तो इस इवेपोरेटिंग पैन के ऊपर आपकी वेपर जमा हो जाती है। इस वेपर को दूर करने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर, या तो इस रूम में ये रखा हो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे इसके ऊपर एक एयर के करंट को पास कर देते हैं, जिससे कि आपका वेपर वहां से रिमूव हो जाए और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम ना हो। इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इवेपोरेटिंग पैन मुख्यतः थर्मो स्टेबल लिक्विड के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे लिक्वोराइड का है, ऐसे लिक्विड का क्या करते हैं, जो पैन जर्नली आपके थर्मो स्टेबल लिक्विड है, जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट है आपका लिक्वोराइड का, उनके इवेपोरेशन में इस्तेमाल होता है। ये सब था आपका किसके बारे में, इवेपोरेटिंग पैन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हमारा एक ही इक्विपमेंट है, कल हम पढ़ेंगे इवेपोरेटिंग स्टील वाला इवेपोरेटिंग पैन। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और जल्दी से जल्दी जो भी असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, उन असाइनमेंट्स को रेस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर को जल्दी से जल्दी